पीछे पड़े हो, बताते क्यों नहीं कौन हो तुम? मैं आनंद, तुम्हारा आनंद। Just shut up. मुझे लगता है तुम मुझे किडनैप करके यहाँ लाए हो। अब प्लीज अपना गुस्सा थूक भी दो। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे चले जाने के बाद मेरी जिंदगी कितनी वीरान और नीरस हो गई थी। एक जिंदा लाश की तरह जी रहा हूँ मैं। कलाकार लगते हो तुम, मुझे जानते हो? कैसी बातें कर रही हो तुम? तो बताओ कौन हूं मैं? तुम स्नेहा हो, मेरी स्नेहा। तुम मेरे को नहीं पहचानती क्या? नहीं। तुम अपने आप को भी नहीं पहचानती? नहीं। ओके, तुम्हें इतना याद है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था? मेरा एक्सीडेंट क्यों हुआ था? बैठो बैठो सुनो। इतना तो एहसास तुम्हें है कि तुम्हें अपने बारे में कुछ याद नहीं। इसका मतलब एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारी याददाश्त चली गई। एनीवे, तुम आराम करो और ये दवाई खा लो। क्यों? अरे चोट का दर्द ठीक हो जाएगा। रक्त तो मैं अपने आप ले लूंगी। हेलो, हाँ आनंद, कैसे हो? स्नेहा तुम्हारे पास आ गई? वहां कैसे पहुंच गई? अंदर उसकी याददाश्त चली गई है। अपनी याददाश्त खो चुकी? कब, कैसे, क्या हुआ मेरी बेटी को? वो एक्सीडेंट हो गया था, उसके सर पर चोट लगी है, बस तभी से ही। आनंद उसका ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ वहां पे, मैं अभी आता हूँ। मेरे पापा से बात कर रहे हो? हाँ हाँ। कितने रुपए मांगे? रुपए रैंसम, मुझे जिंदा वापस करने के। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। नंबर क्या है पुलिस का? देखो नंबर बताओ। एक मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। अरे मेरी बात तो सुनो, तुम खामखा परेशान हो। अरे मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा थोड़ा कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें छुआ भी है। दूर और दूर, हाथ अपने पास रखो। ये तस्वीर तो मेरी है। हाँ बिल्कुल तुम्हारी है। कैसे आई? तुम बताते क्यों नहीं तुम कौन हो? आनंद। और मैं? स्नेहा। अभी तुम जिनसे बात कर रहे थे वो कौन थे? तुम्हारे पापा मिस्टर शिव नारायण चौधरी। चौधरी? ये तो मेरे पापा का नाम नहीं। तो फिर क्या नाम है उनका? उनका नाम मैं नहीं जानती। स्नेहा? क्या हुआ पापा, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? जैसे हमेशा आती हूँ, लेकिन आज आप मुझे यहाँ देखकर इतने हैरान क्यों हैं? क्योंकि मेरा तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, तुम्हारे सर पे चोट लग गई थी और तुम्हारी याददाश्त भी। पापा ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ बेटा, आनंद का फोन आया। नाम भी मत लीजिए उसका मेरे सामने। एक मिनट, तुम यहाँ मेरे साथ बैठो, इधर आओ इधर आओ, और जब तक मैं अपनी बात खत्म नहीं करूंगा बीच में टोकोगी नहीं। अच्छा ठीक है बोलिए। आनंद ने बताया कि उसे स्नेहा मिली। इस जन्म में तो ना मिली उसे। बीच में बोली। ऐसा कैसे हो सकता है पापा,
ना तो मेरा एक्सीडेंट हुआ है, ना मुझे चोट लगी है और ना मेरी याददाश्त गई है। इसका मतलब या तो आनंद मुझसे झूठ बोल रहा था या फिर नशे में किसी और लड़की को लेकर अपने घर आया। जरूर ऐसा ही कुछ हुआ होगा पापा। उस दिन बाजार में एक आदमी मेरे गले पड़ गया था, मुझसे इस तरह से बातें करने लग गया जैसे वो मुझे बहुत पहले से जानता हो। जब वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया ना, तब सब लोगों ने वहां मिलकर उसकी खूब पिटाई की। वेरी गुड। और वैसे भी बेटी, स्ट्रीट रोमियो से ना होशियार रहना चाहिए। आप फिक्र मत करो पापा, फिर मिला ना तो उसे सीधा पुलिस के हवाले करा दूंगी। लेकिन ये लड़की है कौन जिसे आनंद अपने घर ले गया और कहता है कि स्नेहा है? देखना पड़ेगा। अबे अनिल, जिंदगी में एक अच्छा काम तो कर ले। नेहा का दिमाग खिसकना शुरू हो गया है, कहीं पूरा खिसक लिया तो पाप तेरे को भी लगेगा। नहीं 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 नहीं, मिला दे बाप बेटे को। चल अबे उल्लू की दू, नरेश तेरे को एक नंबर का हरामी समझता है। अगर उसने समझा कि मैंने ही नेहा को बहला फुसला कर भगा लाया तो वो मेरी खाल खींच लेगा। नहीं 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 नहीं, दम खा ले और घूम ले। नेहा कहाँ है? नेहा शराफत से बता दो वरना जबड़े के साथ साथ 32 गाना खा लो। नरेश सर, एक्चुअली मैंने ही तो आपको यहाँ बुलाया था। तुमने? हाँ, वो क्या है नरेश सर, मैंने जैसे ही नेहा जी को यहाँ देखा, वो भी अकेले, तो मुझे शक हो गया, इसीलिए मैंने आपको यहाँ आने के लिए तार दे दी। लेकिन हमें तो कोई तार नहीं मिली। क्या है आजकल, तार भी खत से ज्यादा टाइम लेता है ना। एक्चुअली मुझे आपको खत भेजना चाहिए था। बेटे अनिल, इसको कुछ मत बताना, कहीं झूठ पकड़ा गया ना तो कच्चा ही चबा जाएगा। बोलता चले गया। सर जी बोलना क्या है, वैसे मुझे मालूम है वो कहाँ ठहरी है। आप आइए मेरे साथ, मैं बता देता हूँ। आइए आइए ना, आइए ना, चलिए चलिए। आइए आइए। सर जी, आपकी बेटी यही है? यहाँ है नहीं, यहाँ थी। थी मतलब चली गई? हम इसी होटल में ठहरने को आए थे, उस वक्त तक तो नेहा यहीं थी, फिर न जाने किसने उसे हमारे बारे में खबर कर दी और वो भाग निकली। I'm so sorry सर, लेकिन आप फिक्र मत करें सर, मैंने आपका नंबर खाया, बहुत एहसान है आपके मुझ पर। आज के बाद मेरा सिर्फ एक ही काम होगा, एक ही रास्ता होगा, एक ही मंजिल होगी, वो मंजिल होगी नेहा जी की तलाश। बहुत पैसे दूंगा। सॉरी सर, मैंने पैसा लेना छोड़ दिया है सर, मगर वो क्या है ना, आना जाना पड़ेगा तो खर्चा होगा और फिर रिश्वत भी देनी पड़ेगी। तो घूम फिर के बात तो वहीं आ गई ना, इसीलिए कहते हैं कि चोर चोरी से भले ही जाए, हेरा फेरी से नहीं जाता। आपने ठीक कहा नरेश, अच्छी आदत छोड़ने में देर तो लगती है यार। क्या प्रोड्यूसर साहब? राम राम। आनंद साहब तो घर में नहीं है क्या? क्या आप डायरेक्टर साहब को लेके आ रहे हैं? हाँ ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगा। हाँ राम राम। बीबी जी को चाय देने जाना है। बीबी जी, ये क्या किया आपने? आप बाहर आ गए और आपने पट्टी भी खोल दी। पट्टी? हाँ, एक्सीडेंट, सर पे चोट। मेरे सर पे तो चोट नहीं लगी। ओ माफी माफी माफी, मैं तो भूल ही गया था आपको कुछ भी याद नहीं है। वो गई ना आपकी, क्या बोलते हैं, याददाश्त, याददाश्त चली गई। आप अपने कमरे में जाइए, मैं आपके लिए चाय लेके आता
बदल गए। पट्टी कहाँ गई? ये दर्पण नहीं है, ये मैं हूं। तुम मैं हूं और मैं तुम हूं। फिर ये हुलिया कैसे बदल गया? मैं स्नेहा हूं। तो फिर वो बदमाश मुझे क्यों स्नेहा कह रहा था? कौन बदमाश? वही जो मुझे किडनैप करके यहाँ ले आया है। तुम मेरी मदद करोगे प्लीज? सबसे पहले पुलिस को खबर कर दो और फिर मेरे पापा को भी बता दो कि मैं यहाँ बंद हूँ। कौन है तुम्हारे पापा? मैं नहीं जानती मेरे पापा कौन है। मैं तो ये भी नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। गरम गरम ताजा चाय। इसे क्या हुआ? मैंने कहा ना मुझे तंग मत करो, जब तक मेरा मूड नहीं होगा मैं शूटिंग नहीं करूंगा। ये लो, ये पैसे रखो। साहब को बताना मत कि मैं यहाँ आई थी, ठीक है? लेकिन आप दोनों में से वो कौन है और वो कौन है? ये सब मैं तुझे बाद में बताऊंगी, लेकिन अपना मुंह बंद रखना। तुझे क्या हो रहा है? क्या हुआ, क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा? दबाओ यहाँ से और हॉल में जाके कोल्ड ड्रिंक दे। अब कैसे हो स्नेहा? स्नेहा बेबी नहीं है। क्या कह रहे हो स्नेहा? मैं स्नेहा नहीं हूँ, मैं स्नेहा नहीं हूँ। अरे तुम ही स्नेहा हो। नहीं मैं स्नेहा नहीं हूँ। स्नेहा आप पते के पीछे जाओ, देखो यहाँ कोई नहीं है। तुम्हारी आवाज सुनकर भाग गई होगी। गंगाराम साथ इधर आएगा लेकिन बोलेगा नहीं। क्या नहीं बोलेगा? झूठ नहीं बोलेगा। तेरे को झूठ बोलने के लिए किसने कहा? ये मेम साहब, इसने कहा साहब को कहना कि स्नेहा मेम साहब आई थी। तो वो नहीं आई थी? नहीं आई थी। मैं इसको देखूं। अरे मेरी बात सुन, वो तो नहीं। क्या हो रहा है ये सब? देखो ये तस्वीरें जब अखबारों में छपेंगी ना तो लोग कहेंगे रिटर्न ऑफ अनंत ड्रीम गर्ल। मैं तुम्हारी ड्रीम गर्ल नहीं हूँ, समझ में आई ना बात? और तुम बंद करो ये सब, नहीं तो मैं तुम्हारा कैमरा तोड़ दूँगी। इजी इजी स्नेहा, इजी। मैं स्नेहा नहीं हूँ। याददाश्त जाने की वजह से कितनी वायलेंट हो गई है यार। शुक्ला अगर ये स्नेहा नहीं है तो कौन है यार? अरे ये स्नेहा ही है। स्नेहा यहाँ आई थी। ओहो, अगर तुम्हारा भंग का नशा उतर जाओ तो इन्हें बताओ कि कोई आई थी या तुम्हारा वहम है? वहम है साहब, वहम कोई नहीं आई थी। क्या? नहीं आई थी। क्या कहा तूने? नहीं आई थी। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। अरे सुनो, अरे सुनो, वहाँ जा रहे हैं। अरे मेरी बात तो सुनो, काम है। अरे चला, उसकी फिल्म की कहानी बदल दे। अरे अरे इसे एक्शन फिल्म ही हमें बना देते हैं, पिक्चर का नाम बदल देते हैं। हंटर वाली समथिंग। हंटर वाली? यस सर, वेरी गुड। ऐसा क्या हुआ? एक्सीडेंट बाद हुआ है। देखो तुम एक्सर्शन मत करो, तुम्हारे आराम ठीक है। हाँ प्लीज बैठ जाओ स्नेहा, बैठ जाओ। मैं स्नेहा नहीं हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये क्या है? क्या हुआ सर? क्या हुआ? देखो ऐसा गुंडापन शर्म आनी चाहिए। बदनाम हो जाएगा हमारा स्कूल। इंक्वायरी होगी तो क्या जवाब दूंगा? सर सर ये मैं नहीं हूं। तो क्या मैं हूं? इतना बड़ा झूठ सर। नहीं सर, ये मेरी हम शक्ल है, मेरा यकीन कीजिए।
शक्ल भाई, नाम भाई, लिखकर माफी मांगो ना तो मैं रिजाइन करना पड़ेगा। सर, सर मैं सच कह रही हूँ, ये मैं नहीं हूँ। इसका मतलब है एक झूठ छुपाने के लिए तुम 10 झूठ मानोगी? नहीं सर। तुम नहीं मानोगी? सर मैं झूठ को सच कैसे मानूं? इसका मतलब है हमें तुमको डिसमिस करना पड़ेगा। सर मुझे सर्विस की कोई फिक्र नहीं है, मैं सर्विस किसी और वजह से कर रही हूँ, वरना मुझे किसी चीज की कमी नहीं। मैं तुम्हें 24 घंटे की वार्निंग देता हूँ, या तो अपनी बेहुदा हरकत के लिए माफी मांगो या फिर डिसमिसल के लिए तैयार हो जाओ। बरखा, नेहा मिल गई है। क्या कहा? नेहा मिल गई? थैंक गॉड। लेकिन नरेश तुम वहां क्या कर रहे हो? उसे यहाँ घर लेकर आओ ना। मिल गई से मेरा मतलब है कि वो यही है, लेकिन मुझसे छिपती फिर रही है। जैसे मिल जाएगी मैं उसे लेता आऊंगा। और फोन इसलिए किया कि अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? नेहा मिल गई सर। मिल गई तो कहाँ है, जल्दी बताओ। ये रही। लेकिन नाम तो स्नेहा दिया। सर हमसे चुपते फिर रही है ना, तो नाम तो बदलेगी ही। सर आप जल्दी चलिए। और ये हाथ में डंडा क्या है? सर ये जो लड़का है ना, इससे मिल चुका हूं मैं, मुझे यकीन है कि इसी ने नेहा को किडनैप किया है। सर आप जल्दी चलिए प्लीज। चलो। ये फिर कहां से आ गई? तुमने क्या किया है? आरुण के साथ मार पिटाई क्यों की? पापा आप ही धोखा खा गए। पापा मैं वो नहीं हूँ। तुम नहीं हो तो फिर कौन है? वही मेरी हमशक्ल नेहा। बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है बेटा, इसकी शक्ल तो बिल्कुल प्रिंसिपल की है। हाँ पापा यही तो आफत है, यहाँ पर प्रिंसिपल को भी यही लगता है कि वो मैं हूँ। बहुत नाराज है मुझसे माफीनामा लिख कर देने के लिए कहा है। अब मैं माफी कैसे मांगू पापा, जब मैं वो हुई नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। लेकिन बेटा इसका हाल तो जल्दी से निकालना पड़ेगा। तुमने फोटो देखी उसकी? बड़ी वायलेंट लगती है, हाथ में डंडा ढूंढा है उसके, और कल कुछ उसने गलत कर दिया तो कहीं तुम ना फंस जाओ बेटे। हाँ हाँ बाबा आप ठीक कह रहे हैं, मैं जल्दी से कोई तरकीब निकालती हूँ। अच्छा ठीक है पापा, बाय। ओके बेटा, बेटा अपना ख्याल रखना। नाम और शक्ल में कुछ झोलझाले, वो सब मैं आपको बाद में समझाऊंगा, फिलहाल तो मैं बहुत जल्दी में हुआ। ठहर ठहर बच्चे, तेरे जाने से क्या होगा, जो उसे ढूंढ रहे हैं उन्हें बता दे हैं जी। नरेश जी को साथ ले जा। अरे अगर मैं उन्हें ले लेने गया तो बहुत देरी हो जाएगी और ये लड़की हाथ से खिसक जाएगी। मैं कुछ चक्कर चला के लड़की को इधर लेके आता हूं। वैसे नरेश सेठ ने बहुत बड़ा इनाम देने का वादा किया है, मैं यूं गया और यूं आया। अरे ठहर, देख देख जरा संभल के, उसके हाथ में डंडा है जी। नो प्रॉब्लम, बड़े इनाम के लिए तो मैं डंडा खाने के लिए भी तैयार हूं। जा प्लीज, चिंता छोड़ दो, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी स्नेहा। खबरदार जो दोबारा मुझे स्नेहा कहा, नहीं तो तुम्हारे साथ जोड़ दूंगी। तो फिर मैं तुम्हें क्या कहूं, टेल मी। वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना पता कि मैं स्नेहा नहीं हूं। ये बात तुम कैसे जानती हो?